12th बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हैं बस 2 मंथ्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक IIT, NEET, NEST एंड अदर जो एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स के लिए बचे हैं मोस्टली 3 से 4 मंथ्स। बट इन दोनों को आपको एक साथ करना है, इन दोनों को आपको एक साथ फेस करना है। बट हाउ, कैसे करें? आप अगर सोच रहे हैं कि बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं, बोर्ड्स को इग्नोर कर लेते हैं, उसमें बस पास भी हो जाए तो ठीक है, चल जाएगा, देन लेट मी टेल यू अ थिंग। अगर आप फ्यूचर में जाके अगर आप बेसिक साइंसेस में एडमिशन लेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपके जो ग्रेजुएशन के 3 साल है, उसके बाद भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 2 साल है, उन टोटल इन सारे ईयर्स में आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप। उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 60,000 पर ईयर। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ओके। सो ये जो अमाउंट होता है वो दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को, बट इसके लिए जो क्राइटेरिया, दैट इज आपके बोर्ड्स में जो नंबर होने चाहिए वो, दैट इज दैट शुड बी इन टॉप 1%। अगर आप टॉप 1% में आते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि बोर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, देन यू शुड थिंक ऑन इट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी मैंने सोची है, जो मैंने बनाई है, एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट इन माई पास्ट। आई हैव ऑल्सो फेस द सेम जो प्रेशर होता है बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक साथ। बट इन सारी प्रॉब्लम से आप कैसे फेस कर सकते हैं, सो इसका सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, लिटरली बस आपके दिन के 3 आवर्स आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंसेस देखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड्स में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है। लोगों को लगता है कि बोर्ड्स बहुत अलग चीज है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सी एवरीथिंग इज सेम, कंसेप्ट इज सेम, सिलेबस इज द प्रॉब्लम इज द यू नो डिफरेंस इज दैट इज द ओनली पैटर्न। जो पैटर्न है एग्जाम का वही डिफरेंट है। कॉम्पिटेटिव में आपको जो होते हैं क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो बोर्ड्स होते हैं उनमें बस सब्जेक्टिव होते हैं, दैट्स इट। एंड डू यू रियली थिंक दिस, ये जो पैटर्न का डिफरेंस है दैट रियली मेक्स अ गुड लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस? डू यू रियली थिंक? नो। सो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट द पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। एंड इन बोर्ड्स में तो उससे भी कम, लाइक 12th का सिलेबस होता है, बट कॉम्पिटिटिव में दोनों 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाए और उसके साथ साथ दोनों में अच्छा स्कोर कर पाए, स्पेशली इन बोर्ड्स। सो जो स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट करते हैं। जो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो दिन है उसमें आपको 3 स्लॉट्स बनाने हैं। बट उससे पहले यू शुड नो द पैटर्न ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आपको 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देख लेने चाहिए इससे पहले, ये जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे उससे पहले, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये सब आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आपका जो पढ़ाई होगी, आपकी जो पढ़ाई होगी वो नैरो डाउन हो जाएगी। सो सबसे पहले आपका जो दिन है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से देख लीजिए कि पैटर्न क्या है, ये सब सारी चीज़ें, ओके। सो आपका जो दिन है उसको आपको 3 पार्ट्स में बांटना है, ओके, 3 स्लॉट्स में, स्टडी स्लॉट्स में। जो 3 स्लॉट्स होंगे आपके जो पढ़ाई के, 3 स्लॉट में आपको डे का जो टाइम है पूरा 24 आवर्स उसमें आपको बांटना। आप कोई भी टाइम ले सकते हैं, आपको जो पसंद है, आपको जिस भी टाइम में आपका मन लगता है पढ़ाई में, आप ऐसा कोई भी स्लॉट ले सकते हैं। बट ये जो स्लॉट है वो 3 आवर्स का, सो टोटल 9 आवर्स, क्योंकि हमारे पास 3 स्लॉट्स बनाने हैं, हमें 3 आवर्स 3 आवर्स और 3 आवर्स। सो ये 3 3 आवर्स के 3 3 स्लॉट्स जो है उसको आपको प्लान कर लेना है कि हाँ दिन का ये जो आवर्स है ये 1 स्लॉट होगा, उसके बाद आप ब्रेक वेक जो भी ले सकते हैं, आपका जो स्कूल का टाइम है उसको, वो सारी चीज़ें देख के आपको ये जो 9 आवर्स है वो आपको निकालने हैं आपके डे में से एनी हाउ। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, देन यू विल रिग्रेट, देन ओके। सो स्टार्ट कर दीजिए अभी से, 2 मंथ्स है आपके पास, so that's a good time and you can do something in this time for your boards as well as for computer exam, okay। so ये जो slots आपने बना लिए, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम overlap करेंगे competitive का और आपके boards का। first of all syllabus आपको 12th का करना है, अभी जो ये 2 months बचे हैं उसमें बस आपको 12th का करना है, no 11th, okay। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी time रहेगा तो आप कर सकते हैं, but your focus should be now on your 12th, because boards का जो exam है वो 12th का syllabus है और वही syllabus सेम आपके competitive exam में भी है,
तो इलेवेंथ को आप अगर आप क्योंकि एक साल जो इलेवेंथ का था उसमें भी आपने इलेवेंथ किया है थोड़ा बहुत आई कंसीडर, और इलेवेंथ में आपने शायद कुछ तो टाइम दिया होगा पास्ट में, तो अभी जो 2 मंथ्स है वो डेडिकेटली आपको बस बोर्ड्स के लिए, नॉट बोर्ड्स के लिए बट आपको 12th के लिए देने हैं. ओके, सो आपके जो ये 3 स्लॉट्स हैं उसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सो जो फर्स्ट 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स और 3 आवर्स, देखिए इनमें से जो एक स्लॉट है आप कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, बट इसमें से जो एक स्लॉट होगा वो डेडिकेटेड होगा बोर्ड्स के लिए. ओके, अब वो कैसे मैं बताती हूँ आपको. ये जो 3 आवर्स है कोई भी आप स्लॉट ले सकते हैं इन तीनों स्लॉट में से, तो एक स्लॉट में है 3 आवर्स. एक आवर जो है आपका वो आपको देना है लैंग्वेज के लिए, बिकॉज सी आप जो आप PCB या PCM आपका जो भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं या PCMB भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी बोर्ड्स में लैंग्वेजेस होती है, एंड अगर आप लैंग्वेज में अच्छा करेंगे ना देन ट्रस्ट मी आपका एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज होते हैं, आई गेस एक इंग्लिश होता है और एक हिंदी, या आई डोंट नो, नॉट सो श्योर, बट ओके. सो एक जो ये जो लैंग्वेज होता है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे ना ट्रस्ट मी आपका स्कोर हद से ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सी PCB PCM में तो सारे स्टूडेंट्स एक लेवल पे, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डाल देंगे लैंग्वेज में देन दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. यू कैन यू नो आपका जो स्कोर है वो अच्छी मतलब बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है. सो ये जो एक आवर रखा है मैंने वो रखा है लैंग्वेज के लिए. इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए पेपर का, तो उस पैटर्न के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या, जो लैंग्वेज की आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसमें से आएगा क्या, तो ये आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए तभी आप उसको पढ़ सकते हैं. सो इस एक आवर में आपको ये एक आवर डेडिकेट करना है लैंग्वेज में, इधर हिंदी या आपका जो भी लैंग्वेज है इंग्लिश व्हाटएवर, तो उस लैंग्वेज के लिए आपको डेडिकेट करना है ये एक आवर. एनी हाउ आपको दिन का निकालना है ये जो स्लॉट्स मैंने बताया, और आपको लैंग्वेज के लिए टाइम देना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी के सब्जेक्ट्स ही कर लेंगे तो प्लीज डोंट डू दिस, लैंग्वेज को भी लैंग्वेज पे भी फोकस दीजिए, वो भी कीजिए, इससे सच में आपका स्कोर अच्छी तरह से बढ़ जाएगा. सो लैंग्वेज के लिए जो एक आवर है वो दीजिए, उसमें आपको देखना है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, कि एक्चुअल क्वेश्चंस होते कैसे, आएंगे क्या क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको ये जो दिन का रोज का जो एक आवर होगा वो आपको लैंग्वेज के लिए देना है. आई थिंक 20-30 चैप्टर्स होंगे, तो इतना तो टाइम है आपके पास अभी कि आप दिन का अगर एक भी चैप्टर उठा लेंगे, एक भी जो लेसन होगा व्हाटएवर जो होगा, तो वो आप एक दिन में कर पाए, तो ट्राई टू डू दैट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट. सो फर्स्ट आवर इज क्लियर आई होप. नाउ अब इस स्लॉट के बचे हैं 2 आवर्स अपने पास, क्योंकि एक जो आवर है वो चला गया है लैंग्वेज में. 2 आवर्स जो है इसमें आपको आपका अब जो होगा आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इन चारों में से आपके 3 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और 4 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, आइदर PCB PCM और PCMB. बट अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे हम IIT पकड़ लेते हैं उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, तो अभी आपको उस 4th सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है. अभी आप बोर्ड के ओरिएंटेड है तो आपको जो आपके सब्जेक्ट्स है 3 सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस करना है. अभी आपको 4th सब्जेक्ट के बारे में उतना नहीं सोचना है, आप उसको बोर्ड के बाद भी कर सकते हैं. एज आई हैव सेड फॉर 11th क्लास, आप 11th क्लास का और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा अगर आप IIT के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो आप बोर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं. सो अभी के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो उन 3ों पे ही फोकस कीजिए, अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो उन 4ों पे ही फोकस कीजिए. अब इन 2 जो आवर्स हैं उसमें आपको क्या करना है, एक कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इजी लगता है बहुत ज़्यादा, और एक कोई भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है. आपको फिजिक्स अगर हार्ड लगता है तो मैं फिजिक्स ले लूँगी, और बायो ईजी लगता है तो मैं बायो लूँगी, ऐसे मैथ्स का या जो भी आपको सब्जेक्ट, एक ईजी और एक डिफिकल्ट, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं और उन सब्जेक्ट में के आपको PYQs देखने हैं और उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. ओके, क्योंकि बोर्ड्स में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, आपको मार्क नहीं करना पड़ेगा. पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, मैं बार बार बता रही हूँ, बोर्ड्स का आपका पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो आपको पता ही होना चाहिए एनी हाउ. ओके, सो पैटर्न पता होना चाहिए तो उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. ओके, सब्जेक्टिव आंसर को आपको लिखना है. ओके, ये हो गया. एक आवर जो रहेगा वो रहेगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए, और एक आवर जो रहेगा वो रहेगा आपका इजी सब्जेक्ट के लिए. ऐसे आपको ये 3 आवर्स का पूरा प्लान हो गया. ओके, 3 आवर समझ गए, एक लैंग्वेज के लिए, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड एक इजी सब्जेक्ट फॉर बोर्ड्स. इसमें आपको क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. ओके, क्योंकि आपको बोर्ड्स में आंसर लिखने पड़ेंगे, मार्क नहीं करने पड़ेंगे लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम.
ये हो गया एक स्लॉट, इसमें आप ब्रेक्स भी ले सकते हैं, आपके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। अब जो दो स्लॉट्स बचे हैं अपने, उस स्लॉट में आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, आपको इसमें करना है आपके कंसेप्ट क्लियर। आई कंसिडर कि अभी तक तो आपके थोड़े बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किसी टॉपिक के, किसी सब्जेक्ट के, या किसी लेसन के, या किसी चैप्टर के, ओके। सो आई कंसिडर कि ये तो आपने किया ही होगा थोड़ा बहुत तो। अब आपको उस पर क्या करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, IIT, NEET, whatever, तो उसके लिए आपको देखना है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब द पॉइंट, अगर आप एक दिन में, अगर आप एक कोई चैप्टर उठा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर आप उठा रहे हैं, तो आप जो बोर्ड का जो स्लॉट रहेगा जो 3 आवर्स का इससे पहले मैंने बताया था, तो उसमें भी आप वही चैप्टर करेंगे, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करेंगे उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अब आप जब बोर्ड के स्लॉट में आएंगे उस 3 आवर्स में, तब उसमें आप उसी क्वेश्चन को लिख के देखेंगे, ओके, इन डिस्क्रिप्टिव वे, तो आपका एक जो चैप्टर होगा वो ओवरऑल हो जाएगा, ओके, समझे आप। जैसे अब ये जो बोर्ड्स का जो स्लॉट था वो तो क्लियर हो गया होगा आई सपोज। अब जो बचे हैं दो स्लॉट्स, 3 आवर्स के दो स्लॉट्स, उसमें आपको यही करना है, जो कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, वो चैप्टर क्लियर करना है, ओके, और वही आपको इम्प्लीमेंट करना है बोर्ड वाले स्लॉट में, ओके। अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्लॉट में कोई एक सब्जेक्ट और दूसरे स्लॉट में कोई दूसरा सब्जेक्ट, लाइक जैसे आपने एक डिफिकल्ट और ईजी लिया था बोर्ड में, वैसा ही आप यहाँ भी कर सकते हैं, ओके। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपके बोर्ड वाले स्लॉट में भी। अगर आप ABC से डिनोट करें, अगर बी वाला अगर बोर्ड वाला स्लॉट है, तो ए और सी में जो आप चैप्टर्स करेंगे इजी और डिफिकल्ट, वही बी वाले स्लॉट में जो आवर्स रहेंगे उसमें भी वही चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि आप फिर से एक ही बार बार अगर एक ही चीज करेंगे तो वो आपकी और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी और वो एकदम आपको याद हो जाएंगी। तो आपको फ्यूचर में जब आप जब बोर्ड्स में आंसर लिखेंगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। सो ऐसा करना है आपको। अब इन 3 स्लॉट्स के अलावा, अब इन 3 स्लॉट्स को आप अपने हिसाब से आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि पहले कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ लेंगे तो वो कर लेते हैं, या आपको लगता है कि पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट आई अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो है कॉम्पिटिटिव के जो 2 स्लॉट्स हैं उसको आप पहले रखिए, और जो लास्ट स्लॉट है वो बोर्ड्स का रखिए, ताकि जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, ओके, या किसी भी चैप्टर के, तो वो आपको हेल्प करेंगे बोर्ड में जब आप लिखेंगे, बोर्ड वाले स्लॉट में जब आप लिखेंगे आंसर्स, तो उसमें आपको वो जो है आपके जो कंसेप्ट जो आपने क्लियर किए वही आपको हेल्प करेंगे। अब ये हो गए सारे 3 स्लॉट्स, ये आपको करना है। ये 9 आवर्स आपको किसी भी हालत में आपके डे के निकालने ही पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर चाहिए और कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए और अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हाउ टू क्रैक IIT इन 5 मंथ्स। सो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे रही हूँ, तो उसको आप जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, ताकि ये जो 2 स्लॉट्स है कॉम्पिटिटिव के उसमें आप एग्जैक्टली क्या करेंगे तो वो आपको अगर जानना है तो वो वॉच दिस वीडियो, ओके। अब इसके बाद ये जो 9 आवर्स के और 3 स्लॉट्स हो गए, इसके अलावा भी आपको 2 छोटे स्लॉट्स बनाने हैं। फर्स्ट स्लॉट एट द स्टार्ट ऑफ द डे एंड सेकेंड स्लॉट एट द एंड ऑफ द डे। ये छोटे छोटे स्लॉट्स है, लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ये होंगे रिवाइज स्लॉट। अब अगर मेरा डे स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से, इफ आई स्टार्ट माई स्टडी एट 7 AM, ओके, सो अगर मेरी सुबह 7 बजे से स्टडी स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इन हाफ एन आवर और 1 आवर, इसमें मैं क्या करूँगी, जो लास्ट डे पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करूँगी, और उसके बाद ये जो 3 स्लॉट्स है उसको स्टार्ट करूँगी, ओके। अब इन ये तीन स्लॉट खत्म होने के बाद मेरा एक फिर से स्लॉट रहेगा छोटा सा, आधा घंटा या 1 घंटे का, एट द एंड ऑफ द डे। सोने से पहले मैं क्या करूंगी, इस दिन में मैंने जो भी पढ़ा था वो सारा मैं एक बार रिवाइज करूंगी, उसको क्रिस्प वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, लाइक शॉर्ट नोट्स, ओके, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। तो वो मैं ट्राई करूंगी कि वो हो जाए। तो ये जो रिवाइज के 2 स्लॉट्स है वो भी आपको इसके साथ ऐड कर देने हैं, इन 3 स्लॉट के साथ। इससे क्या होगा, आपका जो दिन भर का जो पढ़ा हुआ रहेगा वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे भी आपका जो यस्टरडे जो कल पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी तरह से याद हो जाएगी। सो ये भी आपको करना है इन 3 स्लॉट्स के अलावा, ये 2 एक्स्ट्रा स्लॉट्स, ओके।
सो ये थी प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी, जो अगर आप 2 मंथ्स इन बोर्ड्स के एग्जाम तक आपके फॉलो करेंगे देन आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा बोर्ड्स में एज वेल एज ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव में, तो आपको ये हेल्प करेगा ही क्योंकि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं. ओके, इसके साथ साथ अगर आप कोई अगर डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आएगी डायग्राम आएगी, ओके सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन पेपर है ना, तो बोर्ड्स में आपकी डायग्राम आएगी, तो आप उसको क्या करेंगे लेबल करेंगे, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा. आप सारे लेबल्स एक बार में करेंगे, अगर वही डायग्राम आपका अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ओवरऑल उसका व्यू पता होगा कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है. ओके, सो ये ना ही बस बोर्ड्स के लिए आपको हेल्प कर रही है बट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है. ओके, सो डू दिस, ट्राई टू डू दिस, आपका 100% दीजिए इन कुछ दिनों में, क्योंकि बस 2 मंथ्स बचे हैं, इसमें आप अगर अच्छा कर देंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा, ट्रस्ट मी. सो ट्राई टू डू दिस एंड या यही बताना था मुझे इसमें, क्योंकि आई हैव ऑल्सो फेस द प्रेशर ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट अ टाइम, कि कैसा होता है क्या करें, कन्फ्यूज होते हैं लोग. सो आई थॉट कि आई शेयर दिस स्ट्रैटेजी, सो दिस आई थिंक दिस विल हेल्प यू समवेयर. ओके, आपको अगर अच्छी लगी है स्ट्रैटेजी देन गिव मी अ थम्स अप एंड ट्रस्ट मी फॉलो इट. आप क्या बोलो, आप सच में फॉलो करके देखिए, एक दो दिन तो फॉलो करके ही देखिए, यू विल डेफिनेटली गेन कॉन्फिडेंस, आपको सच में कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो होगा, तो करके देखिए. इसके साथ साथ जो आपके 2 स्लॉट्स है 3-3 आवर्स के, तो उसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो प्लीज़ जाके उस वीडियो में देखिए. 5 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे ही दिया है, सो देख लीजिए उसको भी. ओके, या दैट्स इट फॉर टुडे. आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहिए, आपके दोस्तों के साथ, सो डू दैट. आपके अगर कुछ क्वेश्चन है इसके अलावा भी देन कमेंट भी, अगर आपको लगता है कि ये एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है देन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिप्लाई और आई ट्राई टू कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो एज वेल एज आपको और क्या जानना है, आपको किस चीज़ की स्ट्रैटेजी चाहिए आईएसएल के बारे में या ओके इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आपको कुछ जानना है, आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आना चाहिए देन आप वो भी मुझे बता सकते हैं. फील फ्री टू शेयर दैट एज वेल. स्कॉलरशिप के ऊपर, इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो बनाना है, आई डू दैट. और जो PCB और PCM स्पेसिफिक है वीडियो उसको भी बनाना है, बट फर्स्ट जो आपका 3 सब्जेक्ट्स है उसको क्लियर कर लीजिए, 1 सब्जेक्ट तो बाद में भी हो जाएगा. ओके, ऑल दैट अपडेट्स. अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डू दैट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो या दैट्स इट, यही सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. ओके, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे फैबुलस. बाय बाय.